संकट काळात अत्यावश्यक सेवा बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षितेसाठी राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी सॅनिटायझर उपलब्ध करून एक प्रकारे मदतीचा हात दिला आहे. राज्यातील सर्वच विभागात सॅनिटायझर मोफत वाटप केले जात आहे. शनिवारी राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांकडून पोलीस अधीक्षक कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय, महापालिका कार्यालय आदी इत्यादी कार्यालयात 600 लिटर सॅनिटायझर वाटप करण्यात आले. यावेळी राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे शहर अध्यक्ष रौफ जमीनदार, माधव पाटील, लक्कनसिंग लांगरी यांच्यासह कार्यकर्ते उपस्थित होते. कोरोनाचा संसर्ग टाळावा यासाठी सॅनिटायझर सर्वात उत्तम उपाय आहे. मात्र सध्या सर्वत्र सॅनिटायझरचा काळा बाजार सुरू झाला आहे. असे असताना कर्तव्य वर असलेल्या कर्मचाऱ्यांना सॅनिटायझर पुरवठा व्हावा यासाठी आमदार रोहित पवार यांनी हा पुढाकार घेतला आहे. आमचे युवा नेते आमदार रोहितदादा पवार साहेबने सॅनिटायझर 500 लिटर पोलीस प्रशासन और कलेक्टर के लिए भेजा गया और 100 लिटर गुरुद्वारे के लिए भेजा गया और हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस की युवक की टीम SP साहब को मिलकर वहाँ भी दिए, अभी कलेक्टर साहब को मिलके यहाँ पे दिए, अभी गुरुद्वारा में जाना है, गुरुद्वारे में देना है. हम मार्केट में ब्लैक में सैनिटाइज़र की बिक्री हो रही है, इसलिए कुछ आम लोगों को नहीं मिल रहा है और कलेक्टर ऑफिस, SP ऑफिस कर्मचारियों जो रात दिन, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग रात दिन रोडों पर जो काम कर रहे हैं, अपने घर वालों को, घर बार को छोड़ के कर रहे हैं और कर्मचारी जो तो 24 घंटे वो काम में लगे हुए हैं, उनके लिए सैनिटाइज़र की कमी हो रही थी. इसलिए हमारे नेता आदरणीय रोहित दादा पवार साहब ने पूरे महाराष्ट्र के अंदर सभी जगहों पे सैनिटाइज़र बांटने का काम शुरू किया है और नांदेड़ शहर में आज हमने SP ऑफिस और कलेक्टर साहब और SP साहब को दिए.